आदेश आदेश, मेरा नाम वैभव नाथ है और मैं मुंबई से हूँ। शिवपुरी के शिविर का वर्णन किया जाए तो मैं उसे एक दिव्य अनुभूति कहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस शिविर में मुझे मेरे दादा गुरु श्री आदेशनाथ जी और मेरे परम पूज्य गुरु श्री रुद्रनाथ जी का आशीर्वाद मिला। सिर्फ आशीर्वाद नहीं कहूँगा मैं तो, मुझे मेरे परम मित्र मिल गए। मैंने इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि गुरु एक मित्र भी हो सकता है। इन दोनों ने इतनी सरल तरीके से इतना बड़ा ज्ञान सिखाया है इस शिविर में कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। नाथ संप्रदाय के बारे में जो ज्ञान हमें मिला, बहुत सी साधनाएं हैं जो गुप्त साधनाएं हैं उनके बारे में हमको जो ज्ञान दिया गया, जो साधनाएं कराई गई, वो अवर्णनीय है, जिनका कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना दिव्य और अद्भुत अनुभव था। तो मैं बस यही कहूँगा कि द जर्नी है जस्ट बिगन फ्रॉम घोर टू अघोर। आदेश आदेश। श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश। मैं यश शर्मा हिमाचल से। शिवपुरी शिविर में आने से पहले मैं काफ़ी जगह पहले ही शिविर अटेंड कर चुका था, पर जिस तरह का अनुभव मुझे शिवपुरी शिविर में हुआ ऐसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शिवपुरी शिविर में जिस तरह से गुरु जी द्वारा हमें हवन कराए गए और हवन में जो हमें अनुभूतियाँ हुई उन्हें शब्दों में बयान करना मैं तो नहीं बता सकता। जिस तरह से हवन में देवी के दर्शन होना और आसपास का माहौल बिल्कुल बदल जाना, हवाएं तेज चलना, अग्नि का इतना प्रचंड स्वरूप देख के मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि इतना कभी मैंने कभी सोचा था। तीनों दिन अलग अलग तरह के हवन हुए, तीनों में अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ हुई और गुरुजी से जिस तरह से हमें गाइडेंस मिली, रोज़ हमें अलग अलग तरह के मंत्र कंठस्थ करने के लिए दिए जाते थे, उनके बारे में बताया जाता था और जो ज्ञान हमें गुरुजी द्वारा मिला वो और कहीं मिल ही नहीं सकता था। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम द शिवपुरी शिविर। और आखिरी दिन हमारी गुरु दीक्षा हुई जिसमें हमें गुरु नाम भी मिला और गुरु जी द्वारा हमारे नाम भी चेंज हुए। इस समय मेरा नाम यश शर्मा से सौम्यनाथ हो चुका है। तो नाथ पंथ में आना और अघोर से जुड़ना मैं कभी सोच में नहीं सकता था कि ऐसा कभी होगा। जिस तरह का वातावरण वहाँ था वो काफ़ी साधनाओं के लिए तो बहुत अनुकूल था। तो आदेश आदेश, श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश। श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश। मैं दीपक गुप्ता, जम्मू से। मैं जब इस शिविर में आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था जो जहाँ देखने को मिला। पहले दिन जब हम रात को हवन करने के लिए बैठे तो अलग ही अनुभूतियाँ हुई जो कि पहले कभी भी नहीं देखी थी। दूसरे दिन गुरुजी ने हमें मंत्र दिए और शाम तक कंठस्थ करने के लिए कहा। मंत्र कंठस्थ करके शाम को जब हम फिर हवन में बैठे तो जैसे ही हवन शुरू हुआ, तो जैसे ही गुरुजी ने हवन में तीन आहुतियाँ दी, उसके बाद अग्नि ने अपना एक प्रचंड रूप ले लिया। मानो जिस शक्ति का आवाहन हम कर रहे थे वो हमारे सामने प्रचंड रूप में खड़ी थी, जिसको सह पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन
गुरु जी के सानिध्य में हम वहाँ बैठे रहे और वो हवन संपन्न किया। तीसरे दिन हमें गुरु दीक्षा मिली, जो कि गुरु जी ने हमें गुरु दीक्षा के साथ साथ गुरु ज्ञान भी दिया। और हमारा नामकरण भी किया, जिसमें मुझे दीपक गुप्ता से दीपेंद्र नाथ बना दिया। और तीसरे दिन ही हमें एक मंत्र दिया गया, जो कि शाम को, जिस मंत्र द्वारा हमें शाम को शमशान में साधना करनी थी। और शाम को जब हम शमशान में गए और वहाँ हवन करने लगे, तो जो कुछ वहाँ हमें अनुभूतियाँ हुई, उसका कभी उससे बड़ा कोई भी अनुभव नहीं हो सकता। हमारी इन 3 दिनों में पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। और ये सब हमारे गुरु जी रुद्रनाथ जी की वजह से हुआ है, जिनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीनों लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। और फिर एक बार श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश। मेरा नाम केदारनाथ है, मैं गुजरात से हूँ। जब मैं यहाँ आया तब खाली हाथ आया था, पर जा रहा हूँ यहाँ से बहुत सारा गुरु ज्ञान लेकर। साधना शिविर में हम सब साधक भाइयों को यहाँ बहुत सी अनुभूतियाँ हुई, सबको एक अलग दुनिया का एहसास हुआ। मुझे यहाँ 3 अलग अलग हवनों में बहुत से दिव्य अनुभूतियाँ हुई। गुरु जी से यहाँ दीक्षा पाकर मेरा जीवन तो जैसे धन्य हो गया। आदेश आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, सबको आदेश आदेश। मैं यहाँ पर सात्विक बनकर आया था, तो ये जो जगह है, जो शिविर जहाँ पर गुरु जी ने जो यहाँ पर शिविर लगाया है, ये शहर से बहुत दूर है, एक अरण्य जंगल के बीचों बीच है। बहुत ही अच्छी जगह है और ये साधना के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस थी। तो हम जब आए थे, हमको कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब गुरु जी की इच्छा के अनुसार होगा, यही हमको पता था। तो प्रथम दिन जब हम आए, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने पहली बार अघोर हवन देखा, अघोर हवन भैरव बाबा के लिए, भैरव हवन देखा, जिसमें गुरुदेव ने जो क्रियाएं थी वो की। और हमने एक पहली बार ऐसे हवन होते हुए देखा, जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था। और वो हवन में से जो शक्ति आई, उसको हमने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, लेकिन एक हम महसूस कर पाए उस ऊर्जा को, और हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि हमको पता चल गया कि हाँ, उस हवन में, उस अग्नि में एक शक्ति का आह्वान हो गया है। तो ये पहली रात की बात थी। उसके बाद मैं और हमारे गुरु भाइयों को भी बहुत से काम दिए गए थे करने के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर मज़े करने नहीं, साधना सीखने आए थे। उसके बाद हमने जो जो ज़रूरतें थी हवन के लिए, उसको भी हमने इकट्ठा किया, संग्रह किया। और दूसरे दिन हमारे और एक यज्ञ हुआ। ये जो हवन हुआ, ये पहले दिन के हवन से बहुत ही अलग था। इसमें इतनी प्रचंड ऊर्जा आई कि हम उस अग्नि के पास बैठ भी नहीं पाए, इतनी प्रचंड ऊर्जा आई। तो गुरुजी ने बोला कि ये जो हवन है, जिस शक्ति को आह्वान करने के लिए है, ये एक सामान्य चीज़ है उस शक्ति के हवन में। उस दिन भी हमने उस हवन में से हमको एक डिफरेंट फीलिंग आई, एक डिफरेंट भावना उससे जुड़ी, और वो हवन भी हमने देखा। तो ये दूसरा दिन का ख़त्म हुआ। तीसरे दिन हमको जाना था शमशान, और तीसरे दिन हम सात्विक से सात्विक नाथ बन गए। हमारा गुरुजी ने हमको प्रेमपूर्वक तो मैं बोल रहा था कि मैं सात्विक से सात्विक नाथ हो गया। उसके बाद उस दिन हमको पहली बार शमशान जाना था,
और यहाँ पर गुरुजी के आशीर्वाद के साथ साथ परम गुरुजी की का भी आशीर्वाद हमको मिला। उनके चरण स्पर्श करने की जो भावना थी वो भी हमको मिली। और आखिरी दिन हम गए भैरव हवन करने शमशान में, तो उस दिन भी एक अलग ही हमको फीलिंग आई, एक अलग अनुभव हुआ। पहली बार हम शमशान गए थे, शमशान को गुरुदेव ने जो भी क्रियाओं से जागृत किया और अच्छे से हवन किया। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, सभी को आदेश आदेश। मेरे गुरु जी ने दिया हुआ छोटा सा नाम तेजसनाथ है। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं इस साधना शिविर में आया था गुरु दीक्षा लेने और साधनाएं सीखने। मुझे यहाँ पे जो दिव्य अनुभूतियाँ हुई हैं वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, पर हाँ एक बात ज़रूर बताऊँगा कि मैं आया तो था कई सवाल लेके। जब मैं घर से निकला तो बहुत से उलझने, बहुत से सवाल मेरे अंदर घूम रहे थे, पर जब मैं अपने गुरुदेव से मिला, उनसे बातें की, दादा गुरु से मिला, तो मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। यहाँ तक कि मैं हमारे गुरुदेव के साथ हमने जो हवन किए उनमें जो दिव्य अनुभूतियाँ हुई हैं उनको तो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। साक्षात भैरव जी के दर्शन हुए हैं हमें, ऐसी प्रचंड प्रतिमा उनकी कि हम शब्दों में भी नहीं बता सकते। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना जीवन अधूरा होता है। हमें तो अपने गुरु से बहुत ही दिव्य ज्ञान मिला है, यही हम लेके अपने घर जा रहे हैं। इतना ही कह के मैं अपने दो शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, सभी को आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश। आई एम अरुण नाथ फ्रॉम केरला। फॉर लास्ट 8 ईयर्स आई वॉज रिसर्चिंग ऑन हिंदू स्पिरिचुअल फिलोसफीज। Finally, I reached my destination. That was my Guru Naji, Sri Rudranath Akore. 3 days Shubhri Shubhri was extraordinary. My perception towards life entirely changed. A new stream of thinking developed. How to approach a situation, whether another dimension is there or not, different level of energies, I got a chance to experience it. Anyway, totally it was like eye-opening. And I'm so glad to say this, the presence of our Dada Guruji, Sri Sri Akhoreshwar Adesh Nadji, made our shiver rich. I surrender all my ego and myself to lotus feet of my Gurudev, Sri Rudranath Akhore. Very many thanks, Gurunath ji. I can't express my love and respect in words. Simply have my tears on your feet, Gurunath ji. The tears of bliss. रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश आदेश। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें आसन बंधन, दिशा बंधन और जितनी चीज़ें अघोर में गुरु मंत्र से पहले आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrasi.xyz पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से, उसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। इस तंत्र टोटके को करिए और आपका जो डूबा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाएगा, ऐसा मेरी भैरव बाबा से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश। अलख